गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? मैं नहा चुका हूँ एंड तैयार हो चुका हूँ। पापा कहाँ गए? पानीपत। पानीपत गए हैं। वो कल दिखाऊँ आज दिखाऊँ? आज दिखेगा आपको। क्या मतलब पापा कहाँ पे गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बाद पहले पापा का दिखेगा, फिर मेरा कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है? और फिर हम जाएंगे, वो कल 15 अगस्त है ना? हाँ, कल हम जाएंगे हम अपने मामा के यहाँ पे, राहुल मामा के यहाँ पे, आपने देखा होगा, वहीं पे जाएंगे और मौज करेंगे, पतंग उड़ाएंगे। ये चलो चलते हैं। मम्मी सफाई करने, मम्मी भी सफाई कर रही है और ये झाड़ू लगा के आइए भी, और फिर चलते हैं। अभी तो पापा का देख लो आप। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम चल रहे हैं भाई के साथ पानीपत। पानीपत में कहाँ जा रहे हैं बल्लू? हम पानीपत में जा रहे हैं छोटे खाटू श्याम जी, जहाँ पर वो पेड़ में तीर मारे थे। तीर मारे थे। तो चलो भाई के साथ। ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये छोटा भाई है और ये हम। इसका अब हम आए कचौड़ी खाने। ये है बाबूलाल जी की मशहूर कचौड़ी। गाइस कचौड़ी खा के निकल चुके हैं। कचौड़ी का बिल कितना है बोलो? 40 40 भाई, 160 रुपये बिल आया। चिराग दिल्ली के पास बाबू कचौड़ी वाला, बाबूलाल हर घर पे लगा हुआ है, लगभग लगभग सभी पे। हाँ भाई, हमारी गली में भी। रोड तो बाबू साफ सुथरा कर दिया यार, पहले छोटा था ये रोड। हाँ तो छोटा, मेट्रो जब बनते हैं उसके बाद कराइए। मेट्रो बनते रोड छोड़े हो जाते हैं। मेट्रो उसमें 1,25,000 के आसपास था। कौन सी मोली बना दिया मेट्रो ने? पूरा पहले नहीं था, ये अभी बनाया हाल ही में। तो ये तो मेट्रो बनना डेवलप हो जाती है वो पूरी जगह। भीड़ भाड़ होगी तो करेंगे बंदे, भीड़ होती है बंदा। और फिर साफ सफाई, रोड वोड भी सही बन जाते हैं ना। अब आया नगर वाला भाई, कैसे गड्ढे खुदे रहते थे। और अब है ना वहाँ पर देखो, एकदम मक्खन की तरह गाड़ी जाती है। सबसे बड़ा खत्ता नहीं? ये कौन सा खत्ता बोलते हो? बजीराबाद वाला, ये गाजीपुर का तो आया है। गाजीपुर का तो अलग है, ये वजीराबाद वाला। हाँ वजीराबाद वाला, ये बड़ा नहीं है, तेखंड का बहुत बड़ा हो गया है। हाँ पहले ये एक खत्ता इधर भी था, उल्टे हाथ पे भी। इसको कवर्ड करके ना सब वो बना दिया इस पे। अरे भाई गाजीपुर का भी बहुत बड़ा है। जगह है भी तो नहीं, जहाँ पर कोई ना हो ना भाई झंडे वाले। हमारे देश के लेके आगे लगाए थे गाड़ी में, अरे नहीं जगह है भी तो नहीं, जहाँ पर कोई ना हो ना भाई झंडे वाले। और जयपुर वाले रोड पे, बालाजी वाले रोड पे नहीं है, मैं जयपुर का इशू है। खाली भरत अच्छा, राम रहीम वाला नहीं? कौन से भाई? वो जो बाप बेटे थे संत निरंकारी। हाँ नहीं नहीं, हाँ जो मर गए बाप बेटे हैं। आसाराम बापू नहीं? आसाराम नहीं, संत निरंकारी बाबा, ये लिखा जो जो आधे से मर गए थे ना, ये पूरा। अच्छा वो सरदार वाले? हाँ वो जिनकी जिनकी माता जी और इनकी बीवी ने साथ कर दी थी। हाँ वो उनका कनाडा में शायद एक्सीडेंट। हाँ वो मर गए थे, गाड़ी पलट गई, बिचारो देते थे ऐसे करके। अच्छा ये वो कहने लगा कि कोई वो नहीं थी ये आसाराम बापू जी, और उन्होंने बहुत बड़ा। तो ये कोई वो दानवान नहीं, मतलब जैसे वो फीस वगैरह होती है सब नहीं लेते थे? जो इच्छा वो दे दो, वो ये नहीं कहते थे। अच्छा
बहुत अच्छा वो है इनका नेचर। मेरे को तो सबसे अच्छा वो लगता था, क्या नाम है वो, निर्मल बाबा, गोलगप्पे खाए? हाँ भाई, 10 के खाए थे। अरे 50 ऐसे रास्ते बड़े प्यारे लगते मुझे। हरियाली नंबर वन की हरियाली पंजाब की है। पंजाब अंदर से ही भाई, नीचे तो भाई ये गन्ने के खेत है ना, ये बाजरा है। बाजरा काट लेना सीधा बोल रहे थे, ये मान ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा। झूठ मत बोले यार, सारा हमें ही फंसा रहा है। तुम पे कहो ठीक है भाई, मैंने मानी कोई नहीं गलती हुई, सॉरी बाबू, तू गाड़ी रख ले। गाड़ी रख ले, मैं तो कह दूंगा रख ले, गाड़ी रख लो, क्योंकि मैं तो थाने में आकर मिल जाऊंगा। सही कह रहे हैं, कोई नहीं भाई, वीडियो बना रहे हम सब साथ में। वीडियो क्या तेरी बना रहे हम वीडियो, तू झूठ बोल रहा है हमारे साथ। और ये हम आ गए हैं कि गन्नौर में पट्टी कल्याण, पट्टी कला खाटू श्याम जी का मंदिर है, जी का मंदिर है। और ये चल रहे हैं हमारे चाचा और बड़े भाई, हमारे भाई। और ये मंदिर फ्रंट कम लग रहा है, मंदिर का वो दिखाओ। और ये है खाटू श्याम जी का गेट, इधर हो जा। ये यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है, सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक दर्शन कर सकते हो आप। और ये वह स्थान है जहाँ पर खाटू श्याम बाबा जी ने शीश दान करा था। बोलू ये यहीं पे ही करा था? हाँ लिखा हुआ है ये ना, देखो नीचे। इसको गोलू को दे दे, गोलू गोलू फोन वोन छीन लेंगे तेरा, ऐसे कहाँ छीन लेंगे, हम छीन। और ये लाइन में लग चुके हैं, खाटू श्याम जी के दर्शन कर लिए हमने। यहाँ पर खाटू श्याम जी का कृष्ण जी ने शीश मांगा था और वो यहीं पे ही उन्होंने अपना शीश दान करा था। तो यह वो जगह है
यहाँ के दर्शन कर लिए, अब हम चल रहे हैं आगे की। हिसार डाला, हिसार में कहाँ पर है? तो गाइस चलो अब हम चल रहे हैं हिसार, जहाँ पर क्या बोलते हैं हम बाबा तीर मार के पत्तों के पीपल के पत्तों में छेद कर दिया था, और एक तीर से पूरे पत्तों में छेद हो गए थे। क्या गाइस ये मंदिर इतना पुराना है, जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी ये जब से ही यहीं पे ही शीश दान करा था, ये जब से ही मंदिर बना पड़ा है और ये जब इतना ही पुराना है। चाचा मौसम देखो क्या मस्त हो रहा है, अरे क्या हवा चल रही है बिल्कुल भाई। और नजदीक और यहाँ पे नजदीक भी है और पास भी है, ये सुनो बिंदावन से नजदीक है ये। हाँ अभी तो हमें ज्यादा वो पूछता है, अगर हम डायरेक्ट आएंगे तो जल्दी आएंगे। अब कोई इतना भाई धूल नहीं उड़ती। हाँ इतना बारिश आई कहाँ है? अभी बारिश आएगी तो बारिश आएगी बहुत तेजी आएगी तो बड़ी शानदार आएगी, मगर आनी चाहिए ना, आएगी कब? हवा चल रही है, अरे ना अभी तो निकल ही जाए ना यहाँ से, सही है। ये किस साइड है ना? ये पूरी चावल की बेल्ट है इस टाइम चावल ही पिट रहे। मस्त मौसम हो रहा है। हाँ भाई सही बोल रहे भाई, हाँ इधर का खोल लेना कोई बात नहीं। हवा देख कैसी चल रही है, सही लग रहा है थोड़ा। डीपली गाड़ी हो जाएगी, अगर हम उसको ऊपर देख के खुश हो रहे थे ना, वो हमसे लोग देख के खुश होंगे, उससे जीत जा रही है। और ये स्विमिंग पूल में गाड़ी चला रहे आरिफ भाई, अब वीडियो फोटो खींच रहे हैं भाई, वीडियो बना रहा हूँ ना। क्या और ये आए अब हम खाना खाने के लिए, ये है रेस्टोरेंट फैमिली रेस्टोरेंट ढाबा। तो आरिफ क्या है ये सही है वैसे, ये अकेले में बैठने के लिए, जिसे फैमिली भी लेके बैठ जाए ना। चाय कॉफी कुछ लोगे भाई? कॉफी तो ले ना। अरे भाई पी के तो देखो, ठीक है भाई सुबह। इस गाना खा लिया है हमने, बिल आया हमारा 297 का। कुछ भी सूझन की नहीं लगा रखा, शुरू से तेरे गाल सही रहे, शरीर इतना है वीडियो। सो गाइस हम CNG भराने रुके हुए हैं, यहाँ पर हम टेढ़ा मेढ़ा ले रहे, और यहाँ पर बल्लू चाचा टेढ़ा मेढ़ा ले रहे हैं बाहर, और हम CNG भरा कर चलते अपने घर। CNG कितने की भरी भाई? 675 रुपए की। मैंने मुंह तो धो लिया है एंड हमारे पापा भी आ चुके हैं, ये ही पापा आज गए थे पानीपत घूमने। मैं चाहता हूँ आपको ब्लॉग अभी एंड नहीं करना, अभी तो मामा कैंप जा रहे हैं। हाँ मैं चाहता हूँ आपको पानीपत का खाटू श्याम जी गए थे हम, आपको अच्छा लगा होगा बहुत, ठीक है लाइक कमेंट शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मैं यही चाहता हूँ। आगे भी आपको ये दर्शन दिखाते रहेंगे, एक्सपेंसिव जगह को एक्सप्लोर करवाते रहेंगे। और अभी हम जा रहे हैं मामा के घर, और ये रही हमारी
हेलो, काली रहती है, प्योरी दिखती है। चलो चलते हैं। अपने मामा के यहाँ पे आ चुके हैं एंड हमारी मामी है। मामी हेलो कर दो। और हमारे मामा का आज बर्थडे है। हैप्पी 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 बर्थडे मामा। केक कटिंग हो रहा है, बस मामा क्लोथ्स चेंज करके आ रहे हैं। आज का तो ये है मेरा बिरयानी, रोटी और कबाब चिकन। आते हैं एंड एंजॉय करते हैं मामा के बर्थडे को। हैप्पी बर्थडे मामा। एंड थैंक यू एंड लव यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा। एंड मैं कहना चाहूँगा कि लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, यही कहना चाहूँगा। और मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय करते रहें और बताते रहें कि मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, कि मैं भी अपने मतलब अपग्रेड हूँ। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि लव यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड वंदे मातरम। कल मिलते हैं पतंग, ठीक है, पिक्चर लाएंगे। चलो। किसी भी बाय।